एवरीवन, वेलकम टू मेघालीज फेवरेट कॉर्नर और मैं हूँ मेघाली। सबको अपने नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और फास्टली ग्रो भी कराना है, तो आज मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ जिससे हमारे नेल्स के ग्रोथ फास्ट होंगे और नेल्स टूटेंगे भी नहीं और स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। और अभी तो बहुत ज्यादा ही केयर करनी चाहिए क्योंकि हर एक या दो घंटे बाद हम अपने हाथ साबुन से धो रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, तो ऐसे में हाथ और नेल्स में काफी बुरा इफेक्ट हो रहा है। सो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसेस हाउ वी केयर आवर नेल्स फॉर फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर ग्रोथ। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे और पहले लेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून हनी एंड अ पीस ऑफ लेमन। फिर चाहिए हमें रोज वाटर 1 टेबलस्पून, फिर चाहिए 1 टेबलस्पून आमंड ऑयल। अभी एक बाउल ले लेंगे और इसमें पहले डालेंगे 1/2 कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। हमने ये ले लिया पानी, फिर इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। फिर ऐड करेंगे हनी, और अभी ऐड करेंगे रोज वाटर 1 टेबलस्पून। फिर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून आमंड ऑयल। सबको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमारे फिंगर्स के नेल्स को हम डिप करके 10 मिनट्स तक रखेंगे। ऐसे जब आपके नेल्स को डिप करके रखेंगे तब आपके नेल्स को एक्स्ट्रा पोशन मिलता है। ये रेमेडी डेफिनेटली आपके नेल्स को ग्रो करेगा और आपके नेल्स स्ट्रॉन्ग और ब्राइट होंगे। तो इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं और इसी से ही आपको फायदा मिलेगा। इस तरह 10 मिनट्स डिप करने के बाद जब 10 मिनट्स हो जाएगा तब आप फिंगर्स को इस पानी से रिमूव कर लीजिए। अच्छे से रब कर लीजिए। अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अभी एक लेमन का पीस लेके सभी फिंगर्स के नेल में अच्छे से रब कर लीजिए। अभी रबिंग हो गया है। अभी हम एक गीला टॉवल लेंगे और फिर से पोंछ लेंगे। नेल्स को पोंछने के बाद आप कोई भी लोशन या मॉइस्चराइजर अपने फिंगर्स पे लगा लीजिए। मैंने लोशन ले लिया है। अभी इसको रब करेंगे पूरे फिंगर्स पे, पूरे हाथ पे। अपने नेल्स पे अच्छे से लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा मसाज कर देंगे। ऐसे ही हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर करें और अपने नेल्स को हेल्दी तरीके से ग्रो करें। जैसे हम अपने फेस और हेयर की केयर करते हैं वैसे ही नेल्स के भी केयर होनी चाहिए, इसीलिए हफ्ते में 1 या 2 बार इस रेमेडी को आप जरूर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस आपको यूजफुल लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें
और ऐसे ही बहुत सारा प्यार मुझे देते रहे। तो मैं फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।